और शादी के बाद हर पुरुष से मेरा कहना है, हर पुरुष से मेरा कहना कि अपनी पत्नी को गरीबी आ जाए तो भीख मंगवा लेना। क्या कहा? गरीबी आ जाए तो भीख मंगवा लेना, लेकिन तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी पत्नी मंदिर में गंदोदक की भीख पराए पुरुष से ना मांग पाए, ये ध्यान रख लेना। बस कोई ज्यादा कठिन, तुम पति हो उसके, दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगी पत्नी तुम्हारी, नहीं फैलाएगी गंदोदक की। भगवान के सामने तुम्हारी पत्नी दूसरों के सामने हाथ फैला रही है, लगता है तुम्हें विधुर होने का निमंत्रण बन रहा है, लगता है तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, लगता है तुम स्त्री का जो सुख है उससे वंचित होने वाले हो, क्योंकि वो गंदोदक की भीख मांग रही है। मत मांगने देना महानुभाव, जैसे बने तैसे पत्नी को अपने हाथ से जाकर गंदोदक देना, बना करके देना। 100 नारियों में बैठा है, अपनी पत्नी को पहले देना, अपनी पत्नी को। और यदि तुम्हारा पिता गुजर गया है और माँ जीवित है तो महानुभाव अपनी माँ को हाथ से गंदोदक बना के देना, क्योंकि पति गुजर चुका है। तुम्हें जन्म माँ ने इसलिए दिया है कि यदि पति गुजर जाए, पति वृद्ध हो जाए तो बेटा गंदोदक देगा, ये कर्जा जरूर चुका देना। और हर नारी को, और आप लोगों से मेरा कहना है जिनकी शादियां हो चुकी हैं, वे भी आज घरों में हंगामा होना चाहिए, महाभारत होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगा भी नहीं, मांगोगी भी नहीं, मार वायदा करो, आज मेरे गुरु ने उपदेश दिया है, तुम मेरे पति हो तो, मेरे सुहाग हो तो, मेरे प्राणनाथ हो तो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दो बूंद गंदोदक की लाके दो। यदि वो कहे कि मंदिर में बहुत सारे लोग अभिषेक करने वाले आओ, ऐसा तबाड़ तो रुकता है ना, जवान सवाल के बोलो, मैं कोई पापी नहीं हूं, विधवा नहीं हूं जो दूसरों के पुरुषों के हाथ लूं, मैं वो पुण्यात्मा हूं कि मेरा सुहाग जिंदा है, जब मेरा सुहाग जिंदा है तो मैं दूसरों के सामने हाथ क्यों फैलाऊं, क्यों फैलाऊं, क्या कारण है, आप जिंदा हैं क्यों फैलाऊं। जवाब उज्जवल रविशरण महाराज श्री पद्म पुराण में, कैकेयी के लिए गंदोदक एक दिन नहीं आ पाया, उसने जहर निकाल लिया, मरूंगी मैं। लोगों ने कहा महारानी मरो मत, मैं गंदोदक ला, ए कौन हो तुम मेरे, मैं वो पापी नहीं हूं जो विधवा हूं किसी के हाथ से ले लूं, मेरे दुर्भाग्य नहीं है, मेरा पति जिंदा है, पर उसने मुझे अभिषेक क्यों नहीं दिया गंदोदक। वो बात जब मैंने पढ़ी, अरे भाई गंदोदक ले ली थी, कोई भी दे रहा है, भगवान का ही तो गंदोदक है, भगवान का ही तो गंदोदक था, कोई भी दे देता, कोई भी बना के देता, गंदोदक से मतलब है, अपन को तुझे तो गंदोदक से मतलब है, कौन दे रहा है इससे मतलब क्या है। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था, बहुत सारे जैनियों, गंदोदक से मतलब नहीं है, मतलब है गंदोदक बनाने वाले से, अतिशय गंदोदक में नहीं है, अतिशय गंदोदक बनाने में है, वो तो फल है, रोटी तो बन चुकी है, अब वो उसमें क्या करोगे, वो तो बनाने में भावना है। तो थोड़ी देर बाद कंचुकी लेके आ गई, सब कह गए 5 मिनट और लेट हो जाती, यानी अपने के हाथ का, पति के हाथ का गंदोदक प्राणों से भी प्यारा है, यानी एक और कैकेयी का प्राण लगे हैं और एक और पति का गंदोदक है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, गंदोदक श्रेष्ठ है, प्राण नहीं है। आप लोग भी इनसे कहिए मुझे गंदोदक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्रतिदिन 2 बूंद गंदोदक दिया करो, बस फ्री है, मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, कितनी भी दुख उठा लूंगी, कितनी भी गरीबी उठा लूंगी, लेकिन बस 2 बूंद गंदोदक। यदि ये बात आपको लेके तो देखो सही, तुम्हारा हजारों करवा चौथ कर लो, सुहाग दशमियां कर लो, कुछ नहीं होने वाला, और प्रतिदिन अपने पति के हाथ से गंदोदक ले लो, ये हजारों सुहाग दशमी से
ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तुम्हारे एक दिन उपवास करने से इनका कुछ नहीं होने वाला, मरो भूखे उस दिन ये डबल खाता है। और इसको यदि तुमने धर्म मार्ग पर लगा दिया अपने खातिर, तुम्हारे भारत की हर नारी चाहे जैनी हो चाहे अजैन हो, अपने पति को जिंदा करने के लिए एक दिन भूखा मरती है। वो करवा चौथ हो तुम्हारे यहां, इसमें तुम्हारी हो, ये इनका ये बड़े फ्री है तुम्हें नहीं। यदि इनका कल्याण चाहते हो और अपना कल्याण चाहते हो तो इनको कहो मुझे गंदोदक चाहिए, आप बना के लाओगे, आप बना के लाओगे। ये सबसे पहले वृद्ध में जो हो गए हैं बेटे के हाथ सा, जवानी में पति के हाथ का और बचपन में पिता के हाथ का गंदोदक, ये नियम। और कहीं मेरी कोई बात माने या नहीं माने,